गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपना टॉपिक चल रहा है वो अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है, उसमें वीडियो लेक्चर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके अपना उसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो अपनी यूनिट चल रही है बच्चों, आपको याद होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और जो चैप्टर चल रहा है जो एनसीईआरटी बेस की बात है, 8 नंबर का जो चैप्टर चल रहा है, आप एनसीईआरटी देखते होंगे तो एनसीईआरटी में जो चैप्टर चल रहा है, एनसीईआरटी बहुत छोटा दे रखा है लेकिन अपने उसको डिटेल में स्टडी किया है, हर चीज़ को डिटेल स्टडी की है। तो चैप्टर चल रहा है अपना वो है सेल द यूनिट ऑफ द लाइफ। तो उसी में श्रेणी में सीरीज में जो आगे का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज का जो टॉपिक है जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था वो है अपना माइक्रोबॉडीज। और माइक्रोबॉडीज जैसे मैं बताऊँ एनसीईआरटी में केवल 2 लाइन के अंदर ही सिमटी हुई है, और फिर भी अपने इसमें डिटेल स्टडी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने बताया थी ये जो अपने जब स्टडी करना चालू किया था, ठीक है, तो उस टाइम नीट का पेपर हो रहा था, लेकिन नीट के पेपर में भी अब क्यों एक क्वेश्चन डायरेक्ट माइक्रोबॉडीज से पूछा गया है और वो 2 लाइन एनसीईआरटी से कवर नहीं करता है ना। तो इसका मतलब एनसीईआरटी में जो नाम दिया होता है उससे संबंधित कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन डिटेल स्टडी इसलिए अपन इसमें जो कर रहे हैं इसलिए इसका डिटेल माइक्रोबॉडीज है, एक छोटा सा वर्ड है, एक एनसीईआरटी में 2 लाइनें समटा हुआ है पूरा का पूरा ये टॉपिक, लेकिन अपन जो इसमें डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो आगे के अपन जो अपन बात करें तो बच्चों जो अपन माइक्रोबॉडीज की बात करें तो एक बार वापस मैं एक बार रिवाइज करके फिर आज की जो माइक्रोबॉडीज है आज की जो अपन माइक्रोबॉडीज की डिस्कस करेंगे वो करेंगे। और मैं चाहूँगा बच्चों इसमें उम्मीद ये करूँगा कि जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको इस दौरान ही याद हो जानी चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं ध्यान दे रहा हूँ बच्चों, आपको फोकस करवाऊँगा कि आप लाइन टू लाइन जो है वो यहीं पर याद कर लो, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर के माध्यम याद कर लो, फिर उनको आप बगैर देखे आप नोटबुक में नोट्स लाओ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं लगभग मैं 2-3 बार डिस्कस करवा लूँगा आपको, और जो है वो सारी चीज़ें आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आपको ये लर्न अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। तो आज जो बच्चों बात करते हैं अपना ग्लाइकोक्सोम के बारे में बात करेंगे, तो 3rd माइक्रोबॉडीज है ग्लाइकोक्सोम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इससे समझने से पहले अपन को थोड़ी सी वापस एक बार डिटेल स्टडी वापस जो प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर में हम स्टडी की थी उसका रिविजन करना बहुत जरूरी है, वो भी आपको साथ के साथ याद होना चाहिए। उनका कंपेरिजन भी यहाँ पर जरूरी है, कंपेरिजन जरूरी है, तभी आपको इसमें याद रखने में मदद मिलेगी कि वहाँ पर उनका क्या काम था, स्पीरियोसोम का क्या काम था, पेरोक्सीसोम का क्या काम था, और यहाँ पर जो ग्लाइकोक्सोम पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पर क्या काम है। तो एक कंपेरेटिव स्टडी के लिए अपन को तीनों को याद करना एक साथ डिस्कस करना जरूरी होता है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ग्लाइकोक्सोम का आपको बताऊंगा, लेकिन उनके साथ में उनके जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे जिनमें अपन ने स्पीरियोसोम्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, और जो आपके पेरोक्सीसोम के बारे में डिस्कस किया, दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके माइक्रोबॉडीज है उनके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर अपन जो बात करेंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे ग्लाइकोक्सोम के साथ साथ। तो अपन एक बार वापस मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, ठीक है, पीछे ले चलते देखो आप वापस थोड़ा सा प्रीवियस स्टडी, क्योंकि वो भी आपको याद होना जरूरी है कि तभी ये समझ पाओगे आप। तो माइक्रोबॉडीज की बात करें तो माइक्रोबॉडीज की अपन स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोबॉडी दी जा सेक शेप्ड, ठीक है, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेक शेप्ड एंड सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, देख सेक शेप होती है सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एंड मेड अप ऑफ या मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक ट्यूबुलम या मेड फ्रॉम द एंड मेड फ्रॉम द, देखो दीज आर सेक शेप्ड है ये और सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन है, और सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड क्यों होती है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट दिस इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में कई बार एनसीईआरटी के बेस पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो उसमें आपको तर्क दे देगा वो, ठीक है, फैक्ट दे देगा कि इसमें इस प्रकार से सिंगल बॉडी इस सिंगल मेम्ब्रेन इसलिए सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो सिंगल मेम्ब्रेन क्यों होती है, क्योंकि दीज आर मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ए सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। आपको पता होगा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो द सिंगल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये किससे प्रोड्यूस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज प्रोड्यूस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन पूछा गया माइक्रोबॉडीज है वो कहाँ से बनती है, ठीक है, माइक्रोबॉडीज कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, तो क्वेश्चन यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ डिस्कस करूँ क्वेश्चन का, तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में जैसे पूछा गया है कि माइक्रोबॉडीज मेड अप ऑफ या मेड बाय द या मेड फ्रॉम द, तो किससे बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले डिस्कस कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं विच कंटेन द राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, दीस प्रोड्यूस द प्रोटीन सिंथेसिस या इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकेंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दिस डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, सो दैट इज कॉल्ड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दीज इन्वॉल्व द फैटीस सबस्टांस जिसे अपन बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह होते हैं उनके सिंथेसिस में काम करती है, ठीक है। तो जो अपन बात करते हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद ही एक सिंगल मेम्ब्रेन है से बना हुआ सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होगी। कैसे बनती है मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था आपको, लेकिन एक बार और डिस्कस मैं आपके साथ कर देता हूँ। देखो ये है आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है कंटिन्यूस होती है, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूस होती है, और इसमें जिस प्रकार के जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, जिस प्रकार के एंजाइम इसके अंदर, जैसे क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा एक वेसिकल्स के रूप में ये एंडोप्लाज्म टूट के इस प्रकार से अलग हो जाएगी, ठीक है। ये जो वेसिकल जो सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड जो वेसिकल्स है सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर, इसको माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। इसमें किस प्रकार के एंजाइम्स है, इसमें किस प्रकार के एंजाइम फील्ड है इसके अंदर, उस हिसाब से इनका नाम स्पिरोसोम प्रोक्सोम और ग्लाइकोसोम है। ये कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम दैट इज कॉल्ड दिस वेसिकल्स या दिस इज माइक्रोबॉडीज इज कॉल्ड प्रोक्सोम, ठीक है। यदि इसके अंदर अपन बात करेंगे जो ग्लाइकोसोम ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल संबंधित एंजाइम से ग्लाइकोसोम बोल देंगे, स्पिरोसोम संबंधित स्ट्रक्चर है या इसके अंदर फैटी एसिड सबस्टांस का स्टोर है, फैटी सबस्टांस का स्टोर है दिस इज कॉल्ड स्पिरोसोम। तो इसके यहाँ से जो वेसिकल्स बनती है किससे बनी, देखो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था आपको डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर बताता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है, और जिस प्रकार से इसके अंदर जो एंजाइम भरे हुए होते हैं, जिस प्रकार का मेटेरियल इसके अंदर भरा हुआ होता है, उस मेटेरियल के आधार पर इसका नाम रख दिया जाता है कि क्या ये स्पिरोसोम है, ये परोक्सीसोम है और ये ग्लाइकोसोम। जिस मेटेरियल इसके अंदर फील्ड होता है, जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो इसके अंदर मेटेरियल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फील्ड करके इसको वेसिकल्स फॉर्म में प्रोड्यूस करती है, और इस प्रोड्यूस वेसिकल्स को माइक्रोबॉडीज कहेंगे, जिसके आधार पर जिस टाइप का इसके अंदर जो मेटेरियल फील्ड है एंजाइम फील्ड है उसको ही अपन क्या कहेंगे, उसके आधार पर इसको स्पिरोसोम कर देंगे, परोक्सीसोम बोल देंगे और ग्लाइकोसोम बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है देखो बच्चों, दीज आर थ्री माइक्रोबॉडीज कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। माइक्रोबॉडीज कितने प्रकार की होती है बच्चों, तीन प्रकार की होती है। माइक्रोबॉडीज आर थ्री टाइप्स, कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, स्पिरोसोम्स होती है। स्पिरोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन द प्लांट सेल्स, डज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, दीज आर अब्सेंट, स्पिरोसोम्स अब्सेंट इन एनिमल सेल्स, आपने डिस्कस किया था आपको याद होगा। डेंजियड एंड पेनर डिस्कवर्ड इट इन द प्लांट सेल, स्पिरोसोम, स्पिरोसोम डिस्कवर्ड बाय डेंजियड एंड पेनर इन प्लांट सेल्स, ठीक है। दिस अब्सेंट इन एनिमल सेल्स, स्पिरोसोम अब्सेंट इन एनिमल्स। स्पिरोसोम मोस्टली फाउंड इन द सेल्स विच इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस स्टोर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फैटी सबस्टांसेस, सच एज जैसे बात करें जैसे कोटिलिडंस है, कोटिलिडंस ऑफ सीड सच एज ग्राउंड नट, ठीक है, मस्टर्ड सीड और सीसम सीड्स, जो अपन बात करते हैं मूंगफली सरसों तिल आदि के जो बीज होते हैं उनके अंदर ये स्पिरोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या होता है, ऑयली सबस्टांसिस को स्टोर करना, सिंथेसिस करना, सिंथेसिस करना, कलेक्शन करना और ट्रांसपोर्टेशन करना। जैसे अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्पिरोसोम के बारे में अपन पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट जो अपन ने जो आया था वो दूसरा जो जो माइक्रोबॉडीज थी वो थी आपके प्रोक्सीसोम्स, ठीक है। प्रोक्सीसोम की बात करें, प्रोक्सीसोम की जो खोज की बात करें, प्रोक्सीसोम की अपन बात करें तो प्रोक्सीसोम की डी ड्यू ने खोज की थी, ठीक है। डी ड्यू ने प्रोक्सीसोम की खोज किसने की थी, डी ड्यू ने की थी, याद रखना। उसकी डेंजियर पेनर की थी, इसकी प्रोक्सीसोम की डी ड्यू ने की थी, और ग्लाइकोसोम की भी मैं बता दूंगा किसने की थी। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होती है कि प्रोक्सीसोम होता है, इसकी खोज डी ड्यू ने की थी, प्रोक्सीसोम होता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। वापस रिवाइज करो उसको, इसको समझने के लिए वो भी जरूरी है कि प्रोक्सीसोम की बात करें, प्रोक्सीसोम जो होता है वो दोनों ही में पाया जाता है। प्रोक्सीसोम फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। और प्लांट सेल्स के अंदर बात करें तो दीज आर मोस्टली फाउंड इन द सेल्स, जो सेल्स होती है विच इन्वॉल्व द फोटोरेसिस्ट,
परोक्षम की बात करें तो पोस्टल एक्सपेंशन के अंदर जो सेल्स इंगेज होती है उनके अंदर ही परोक्षम ज्यादा पाता है। एनिमल की बात करें तो एनिमल के अंदर जो फाइलम होते हैं, मैंने बताया जो फाइलम होते हैं उनमें प्रोटोजोआ को छोड़कर, ठीक है, जो प्रोटोजोआ को छोड़कर जो बाकी जो फाइलम होते हैं उनके अंदर सबके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोजोआ जिसे मैंने बताया था प्रोटोजोआ, सी पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ठीक है, और एंड प्लेटी हेलमेंटिस, नेमेटो हेलमेंटिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो इसमें जो एक पहला जो संघ सबसे पहला फाइलम आता है वो आता है प्रोटोजोआ, उसको छोड़कर सभी के अंदर ये किसी न किसी रूप में ये जो अपना परोक्षम होता पाया जाता था, ये अपने लाइन मैंने वहाँ भी बताई थी, यहाँ पर बता रहा हूँ। फिर प्रोक्सोसोम का जो मुख्य रोल क्या होता है बच्चों, मुख्य रोल होता है, मैंने ये चीज यहाँ पे क्लियर होता है कि प्रोक्सोसोम जो सेल ऑर्गेन्स है, जो माइक्रो बॉडीज है, ये दो अदर जो सेल ऑर्गेन्स है वो कौन कौन से, मैंने फंडा बताया था आपको पी आर पी सी एम, ठीक है, प्रेमाराम पी सी एम किसको बोलते हैं, मैथ को बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पीसीएम किसको बोलते हैं, मैथ को बोलते हैं, पीसीएम बच्चों किसको बोलते हैं, मैथ को बोलते हैं। तो प्रेमाराम है किसका, पीसीएम का स्टूडेंट है। तो यहाँ पीआर से क्या है, फोटो रेस्पायरेशन, पीआर से क्या मतलब है, फोटो रेस्पायरेशन, पीआर से मतलब क्या है बच्चों, फोटो रेस्पायरेशन, फोटो रेस्पायरेशन। मैंने तीनों ऑर्गन्स बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, किस तरीके से पूछा गया बता दूंगा आपको। फोटो रेस्पायरेशन के अंदर एक तो है प्रोक्सोसोम है, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो तीनों ही जो सोल सेल जो ऑर्गेन्स होते हैं किसमें, फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व होते हैं, इनमें प्रोक्सोसोम का भी रोल होता है, ठीक है। फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टाइप ऑफ रेस्पायरेशन है, एक्स्ट्रा टू द नॉर्मल रेस्पायरेशन, जो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो या लाइट की प्रेजेंस में जो रेस्पायरेशन होता है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, बताइए फोटो रेस्पायरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेन्स काम आता है, फोटो रेस्पायरेशन में कौन सा सेल ऑर्गेन्स होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इसमें आपको पूछ सकता है भाई प्रोक्सोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ अबव। तो आप क्वेश्चन कौन सा सही होगा, ऑल ऑफ अबव, सभी के सभी जो उपरोक्त होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें मान दो ऑप्शन देखिए पूछ सकते, तो आप बोलते अबव बोथ, ठीक है, ए और बी, जिस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कई कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन पूछे, इसमें मैंने आपको साथ में डिस्कस किया, बस ये कर रहा हूँ। फिर प्रोक्सोम के कार्य की बात करें तो मैंने बताया था कि भाई फोटो रेस्पायरेशन करने वाले जो ऑर्गेन्स है उनके साथ में प्रोक्सोम का नाम आता है। तीन ऑर्गेन्स होते हैं जॉइंटली इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस, दीज आर प्रोक्सोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पहली बार। दूसरा जो प्रोक्सोम जो होता है बच्चों, प्रोक्सोसोम जो होता है वो क्या करता है कि फोटो रेस्पायरेशन तो करता है, साथ साथ में क्या होता है, ये जो कई बार क्या होता है कि सेल्स के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू H2O2 बन जाता है। H2O2 मतलब हाइड्रोजन परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड वेरी ऑक्सीडेटिव नेचर, क्या होता है ये क्या होता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, कोई भी सेल्स होती है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, हाई ऑक्सीडेशन पावर इसमें जो होती है, ठीक है। और ये जो क्या करते हैं, जो सेल्स होती है उसका डिस्ट्रक्शन कर देते हैं उसको। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई इंसिजन हो जाता है, या अपन बात करें कि कोई इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर जो अपन ड्रेसिंग करवाते हैं तो उसमें जो हीलने वुंड को साफ करने के लिए जो एक जो डॉक्टर एक जो बोतल यूज करता है हाइड्रोजन परोक्साइड, उससे वो साफ करता है, जिससे क्या होता है वो सेल डेब्रिज वगैरह भी खत्म हो जाती है, उसमें कोई बैक्टीरिया जो डेवलप हो रहा है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा पावर होती है डिस्ट्रक्शन करने की। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर सेल के अंदर ये बन जाता है, तो ये क्या होता है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर सकते, इसलिए क्या करते हैं जो परोक्साइड है, ये परोक्साइड क्या करता है बच्चों, ये जो परोक्साइड जो ये प्रोक्सोम ये क्या है H2O2 जो हाइड्रोजन परोक्साइड है उसको H2O और O2 के अंदर तोड़ देता है, और इसका जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है, इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको नष्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों, इसके अंदर जो नेक्स्ट बात आती है आपके कि जो जो कई बार क्या होता है सेल मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इसके अंदर बनते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस उनका भी डिस्ट्रक्शन करना या उनको भी नॉर्मलाइज करने का कार्य किसमें कौन करता है, ये करता है H2, ये आपको प्रोक्सोसोम करता है। दूसरी बात में अपन एक लाइन पढ़ी थी कि ये जो होता है लीवर और किडनी सेल्स के अंदर पाया जाता है, मेन मतलब लीवर और किडनी सेल्स जो बॉडी के अंदर होती है मोस्टली इंगेज होती है किसके अंदर, डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस के अंदर, और डिटॉक्सिफिकेशन काम कौन करता है, ये माइक्रो बॉडी जो है प्रोक्सोसोम है यही करते हैं, ठीक है, यही करते हैं, इस प्रकार से ये करते हैं। तो देखो बच्चों अब ये बात होगी परोक्सोम की बात होगी, मेरे मोस्ट बात है वापस रिवाइज करके बताया था वो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं बच्चों
ग्लाइऑक्सीजोन की जो आज का अपना जो माइक्रो बॉडीज है, तीसरी जो माइक्रो बॉडीज है ग्लाइऑक्सीजोन। सबसे पहले तो बात करते हैं तो ग्लाइऑक्सीजोन क्यों बोलते हैं, इसको आपको पूछ लिया जा सकता है कि इसको ग्लाइऑक्सीजोन क्यों बोलते हैं। ग्लाइऑक्सीजोन इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ग्लाइकोजिलेट साइकिल जो होता है वो सर्कुलेट होता है। सो ग्लाइऑक्सीजोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल सर्कुलेट इन द ग्लाइऑक्सीजोन या इन दिस माइक्रोबॉडीज, है ना। इसके अंदर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल जो आगे पढ़ेंगे, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल जो ये ना ये क्या होता है इसका अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्या होता है ये अपन जरूर बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल होता है वो रन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं ग्लाइकोक्सिजोन बोलते हैं। इस माइक्रोबॉडीज को ग्लाइकोसोम क्यों बोलते हैं बच्चों, इसका नाम ग्लाइकोक्सिजोन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइकोक्सिलेट जो साइकिल होता है वो रन होता है। इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल होता है वो सर्कुलेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, ग्लाइऑक्सीसोम रख दिया गया। याद रखना, आपको पूछ सकता है कोई भाई इसको, भाई बताओ इसको ग्लाइऑक्सिसोम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द परचेंस ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इन दिस माइक्रोबॉडी, सो दैट इज कॉल्ड द ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक। लेकिन सबसे पहले अपन बात करें ग्लाइऑक्सिसोम डिस्कवर्ड बाय बीवर्स। ग्लाइऑक्सिसोम डिस्कवर्ड बाय बीवर्स, बीवर्स ने खोज की थी इसकी, किसने की थी, बीवर्स ने खोज की थी। ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें इसकी डिस्कवर किसने की थी, बीवर्स ने करी थी, ठीक है। ग्लाइऑक्सिसोम की बात करें तो ग्लाइऑक्सिसोम की डिस्कवरी की बात करें बीवर्स ने करी थी, किसने करी थी, बीवर्स ने करी थी, किसने करी थी, बीवर्स ने करी थी। ग्लाइऑक्सिसोम की खोज की बात करें तो किसने की थी, बीवर्स ने करी थी। याद रखना 1961 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है वहां पे किसने की थी, स्पीओसोम की डेंजर पेंडल ने की थी, ठीक है, प्रोक्सिसोम की डीडीयू ने की थी, और ग्लाइऑक्सिसोम की किसने की थी खोज बच्चों, बीवर्स ने करी थी। याद रह जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर फाउंड मोस्टली इन द फैटी प्लांट सेल्स। अब यहाँ पर मैंने बताया था फैटी प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते, ये क्यों पाए जाते हैं फैटी प्लांट सेल्स के अंदर, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी यहाँ को याद रखना है कि किसमें पाए जाते हैं, जो फैटी प्लांट सेल्स होती है प्लांट के अंदर उनके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर फाउंड मोस्टली इन द फैटी प्लांट सेल्स, कहाँ पाया जाता है, जो फैटी प्लांट सेल्स होती है उनके अंदर भी पाया जाता है, आर फाउंड मोस्टली इन फैटी प्लांट सेल्स, ठीक है, फैटी प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फैटी प्लांट सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, ओके। फिर तीसरा जो इसमें बात आती है वो देखो, इसमें दीज आर द ऑर्गेनेल्स मेड बाय द सिंगल सेल मेम्ब्रेन, सही है गलत है, सही है, क्यों, क्योंकि दीज प्रोड्यूस फ्रॉम या मेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ए सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स, सो देयर द दीज आर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स मेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, दीज आर द ऑर्गेनेल्स मेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, दीज आर द ऑर्गेनेल्स मेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, ये होगी क्लियर। इसके बाद ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल सर्कुलेट इन द ग्लाइकोसोम, जैसे मैंने बताया था इसको नाम ग्लाइकोसोम क्यों कहा गया है, ग्लाइकोसोम इसीलिए कहा गया है कि इसके अंदर क्या होता है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल सर्कुलेट होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोसोम कहा गया है। अब मैंने क्या बताया था एक चीज यहाँ पर कि ये किस में रन होता है, ये किस में पाता है, ये प्लांट के उन सेल्स में पाता है जिनके अंदर क्या होता है फैट ज्यादा होती है, फैट मतलब तेल की अवस्था जो होती है फैट होती है, फैट ज्यादा होती है उनमें पाता है। तो वहां पर मान लो कोई सेल्स है उसके अंदर ये ग्लाइकोसोम पाया जाता है, और ग्लाइकोसोम के अंदर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल पाया जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लो ये आपके हैं ग्लाइकोसोम है, तो ये मान लो किसमें पाया जाएगा, ये प्लांट की जो फैटी सेल्स होगी उसके अंदर पाया जाएगा, फैटी सेल्स के अंदर, और उसके अंदर क्या पाता है ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल पाया जाए। अब ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो गया कि ये जो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल है इनमें फैटी सेल्स के अंदर क्यों पाया जाता है, यहाँ पर क्यों पाया जाता है, ये क्या करता है, जो फैटी एसिड्स होता है उसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, कौन, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल का क्या काम है, आगे और लाइन आएगी उसमें बताऊंगा, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कन्वर्ट द फैटी एसिड टू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या जो प्लांट सेल्स होती है यूटिलाइज करती है, इसे एनर्जी सोर्स के रूप में यूज कर लेती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो रोल आया है वो ये आया है कि जो ग्लाइकोजेनिक साइकिल किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोसोम में, ग्लाइकोसोम किसमें पाए जाते हैं, फैटी प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं मैंने यहाँ पर ही बताया कि ये क्या करते हैं, जो आगे एंजाइम प्रेजेंट इन ग्लाइकोसोम, देखो ये लाइन देखो, एंजाइम प्रेजेंट इन द ग्लाइकोसोम
कन्वर्ट फैटी एसिड, कन्वर्ट फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, किसमें कन्वर्ट करती? मैंने क्या बताया तुम्हारा, ग्लाइकोसाइड का रोल क्या होता है? फैटी एसिड, ये फैटी प्लांट में पाया जाता है, प्लांट से वहाँ फैटी एसिड, उसको किसमें कर, कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि एनर्जी को यूटिलाइज करने का है, या एनर्जी को जब प्लांट यूज करते हैं किस रूप में कर सकते हैं, फैटी एसिड को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, याद रखना ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड होता है वो टूटता है, बीटा ऑक्सीडेशन के आपके नहीं है बता रहा हूँ, बीटा ऑक्सीडेशन के माध्यम से एस्टर कोएंजाइम में टूटता है, एस्टर कोएंजाइम में से फिर क्या होता है, ये जो आपके एस्टर कोएंजाइम में से ये जो ग्लाइकोजेनेस साइकिल ये चालू होता है, वहां सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट से फिर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट से फिर क्या बन जाता है आपके वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल रिलीज हो जाएगा, उससे क्या होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी ठीक है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चलता है, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं ये एक लिंकर है, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल का अपना बात करें अल्टरनेट बोल सकते हैं इसको ठीक है। एस्टर कोएंजाइम से ही क्या सिट्रिक एसिड साइकिल चालू होता है, ऑक्सिलो एसिटेट और एस्टर कोएंजाइम मिलकर सिट्रेट बनाते हैं, तो वहां से इस प्रकार से, तो ये उसका एक तरह से अपन विकल्प भी बता सकते हैं इस प्रकार ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम परजेंट ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट से भी क्या होता है ये पाइरुवेशन टूटता है, तो एनर्जी इसमें रिलीज होती है, कुछ बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान भी एनर्जी उसको मिल जाती है ठीक है, तो फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होता है। तो अब बात करते हैं बच्चों फंक्शन की, बात करते हैं कि भाई इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करें तो देखो दीज आर फाउंड इन फैटी प्लांट सेल्स, मैंने क्या बताया ऊपर भी आया था कि क्या फैटी प्लांट सेल्स में पाते हैं, वेयर या दीज इनवॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, वहां पर क्या कर देते हैं ये फैटी एसिड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, वे दीज कन्वर्ट टू फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, कहाँ पर, ये प्लांट की जो फैटी एसिड सेल्स में पाए जाते हैं और वहां पर ये क्या कार्य करते हैं बच्चों, फैटी एसिड को किसमें कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं ठीक है, चाहे जर्मिनेशन में करो चाहे उनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर करो, तो इसकी ज्यादा उपयोग कर देते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर अपन ने जो माइक्रो बॉडीज थी उसका जो लास्ट माइक्रो बॉडी ग्लाइकोसोम की डिस्कस किया है, जो आपके समझ में आ गया, लाइन टू लाइन मैंने बताया, छोटी सी लाइनें हैं ये, एनसीईआरटी नहीं देखिए, आपको उनको अच्छे से नोट्स बना लेना और ये अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यदि आप नीट की तैयारी करते हो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अपन से पूछ के नहीं आएगा क्वेश्चन ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगली कक्षा के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर अंतर बताऊंगा, जो कई बार पूछे गए हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन अपन अलग से एक वीडियो लेक्चर और आपके लिए नोट्स बनाऊंगा। दूसरा अपन प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक जो सेल्स है उसके अंदर डिफरेंस करेंगे। तीसरा एक इसमें जो चार्ट है जो उसके जो करंट अगला जो वीडियो लेक्चर उसमें अपने चार्ट बनाए, उसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल्स किस प्रकार जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है डबल मेम्ब्रेन होता है वो अपन बात करेंगे, क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनमें से सिंगल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स कौन सा है, तो वो चार्ट भी आपको याद होना जरूरी है, तो आगे कक्षा के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आज की कक्षा के अंदर वो इतना बहुत है, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करो। आज की कक्षा इतना बहुत है, धन्यवाद।